कैंसर कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि हमारी बीवी को 40-45 साल पहले यहाँ दुर्गुदगुड़ी में 8 दिन में मर जाती, जाओ कैंसर रह गया था। बाद आने में हमारे माँ गालियां दिए थे, क्या कैंसर कोई बीमारी नहीं रहे, खाली खून घटो था, सो खून पतला होने के जड़बोटियाँ इस्तेमाल करना, और खून पतला जाता है। अब खून पतला कैसा होता है, ये तो भाई शंबालू का पत्ता है, इधर शंबालू का पत्ता ही बोलते हैं, नलगुंडी भी बोलते हैं, नलगुंडी भी बोलते हैं, शंबालू का पत्ता बोलते हैं। ये कब्रस्तान में भी रहता है, अक्सर खबरान के ऊपर रहता है और रोड के आजू बाजू में रहता है नहीं? अच्छा यूट्यूब में मारो दिखा दो तुम ना। तो इसे क्या करना है, तो शंबालू का पत्ता, पिपल का पत्ता और तुलसी का पत्ता, चलिए तुलसी का पत्ता डाल को, और नीम का पत्ता डाल को, थोड़ी हल्दी डाल को अच्छा पकाना, वो पानी देना इनको, दूसरा पानी नहीं, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। सुबह को पका लेना, थोड़ा थोड़ा पत्ता डाल के शाम तक गोश पानी देना, एक हुआ आधे घंटे में एक गुट, आधे घंटे में एक गुट ऐसा दियो, और ये भी आधे घंटे में एक गुट, ऐसे 2-2.5-3 सौ जड़बोटियाँ इसके अंदर है नहीं, इसे आधे घंटे में एक गुट, आधे घंटे में एक गुट, ये गुट पी गया तो 4 रोटी खाने का पावर है इसमें, भूख लगती नहीं, 15 दिन 20 दिन 1 महीना भूख लगती नहीं, डरना नहीं, तुम्हें भी डरना नहीं, इन्हों भी डरना नहीं, क्योंकि भूख लग रही नहीं ना बोल को। सुबह से शाम तक 2 बाटला पी जाता मैं, खाना खाता नहीं दिया मैं, चुपके थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, 18 साल से पी रहा हूँ, क्योंकि मैं भी किडनी पेशेंट थी 18 साल पहले, लिवर पेशेंट, किडनी पेशेंट, बात समझे, 8 दिन का टाइम दिया था डॉक्टर मुझे भी मरने के वास्ते, आज 18 साल हो गए, जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह बोल गया, अल्लाह वाला डरता नहीं, अल्लाह वाला मरता नहीं, ठीक है। तो अल्लाह वाला जीता सोच मौत की अरमान में, अल्लाह को देखने की चाहत में जीता सो, उसे बोलते सो मोमिन मुसलमान ईमान वाला।